और एके मिश्रा हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ। एके मिश्रा जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले आप ही के पास आ रहा हूं एके जी। एके, आप बीजेपी के 42 साल के इतिहास को समझना और बताना, अगर मैं आपसे पूछूं कि 42 साल की बीजेपी के इतिहास को, बीजेपी की मेहनत को, बीजेपी की सफलता को, बीजेपी जिस तरह से एक के बाद एक पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करती गई, क्या इसको आप कहेंगे? शुद्ध रूप से राजनीति कहेंगे या जन आंदोलन कहेंगे? बताइए जरा ये केस पे। नहीं, देखिए, इसको मैं जन आंदोलन तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं डेफिनेटली ये कहूंगा कि बीजेपी के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट फेज रहा है वो रहा है आपका 2014 के बाद। 2014 में जो इन्होंने रणनीतिक परिवर्तन किए, अपने संगठन के अंदर ढांचागत जो परिवर्तन किया और स्ट्रेटेजिक यानी अटैक कैसे किया जाए, इसके पहले तक लगभग लगभग चीजों को आप नगण्य मानिए, क्योंकि प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी थी नहीं। हाँ। तो वो उनके ग्रोथ का पीरियड बोलिए, प्रेजेंस वगैरह ठीक है, हम भी हैं एक पार्टी, इस तरीके से करके चलती रहती। बीजेपी के अंदर एक बड़ी खूबी इन्होंने डेवलप कर ली है, अपनी एक ऐसी कैपेसिटी डेवलप कर ली है कि ये जब चाहे जहां पे चाहे मास टारगेट को, ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करके किसी भी एक मुद्दे को जो है जन आंदोलन में परिवर्तित कर देते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन करने की और करवाने की कैपेबिलिटी इनके पास आ गई है। और एक अच्छा राजनेता, नेता होना या राजनीतिक पार्टी होने का मतलब ही यह है कि आप जन आंदोलन को जब चाहे तब, अगर चीजें गलत हैं और जिन चीजों को आप चाहते हैं, आपकी विचारधारा, आपके मुखारबिंदु से निकले हुए शब्द, वो जन आंदोलन का रूप ले ले। भाई, महात्मा गांधी इतने बड़े नेता क्यों थे? वो इसलिए थे, या दुनिया के किसी भी बड़े नेता को देखिए, जो उनकी आइडियोलॉजी होती थी वो एक जन आंदोलन में परिवर्तित हो जाती थी। ये क्षमता इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से डेवलप कर ली है 2014 के बाद से। तो ये बीजेपी का पूरा जग तो ये बनी है, मतलब जनसंघ से लेके अब तक देखिए अपनी पराकाष्ठा पे ये पहुंची है 2014 के बाद। इसके पहले उसका ग्रोइंग फेज बोलिए, शैशवावस्था बोलिए, पार्शियल सफलता मिलती थी, उतनी प्रचंड सफलता नहीं मिलती थी, कभी फेल, ज्यादातर फेल होते थे, पास तो कम ही होते थे, पास हुए तो ग्रेस मार्क से पास हो गए, इधर से उधर से जोर तोड़ करके सरकार बना के चला रहे हैं। लेकिन एक छत्र राज्य होना, जिसको बोलते हैं ना विद डिस्टेंशन पास होना, तो क्या एके आप इस बात को मानते हैं कि विपक्ष आत्ममंथन नहीं कर पाया? विपक्ष के पास इतनी कमजोरियां थी जिस पर वो आत्ममंथन करने के लिए तैयार नहीं था। खास तौर पर आज भी जैसे कि उन्होंने स्थापना दिवस के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने लोकतंत्र को परिवारवाद से बचाया है, बचाकर बाहर निकाला है। 42 साल की अथक मेहनत के बाद आप जिस परिवारवाद की जकड़ से अलग अलग पार्टियां जकड़ी हुई हैं, अभी भी जकड़ी हुई हैं, उस तरह का कोई कल्चर बीजेपी के अंदर नहीं है। तो भारत के लोकतंत्र को बचाने का काम बीजेपी ने किया है, इस बात में कितना दम है, मैं इस बात को जानना चाहता हूं। और क्या वाकई में विपक्ष की हर कमजोरी पर एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला बीजेपी की तरफ से, जिसको आप कह रहे हैं कि वो जन आंदोलन की तरह, भले वो शनह शनह चल रहा था लेकिन था वो जन आंदोलन की तरह, भीतर भीतर हो रहा था। कांग्रेस से नाराजगी, तमाम विपक्षी पार्टियों से नाराजगी, और कोई विकल्प नहीं बचा जनता के सामने बीजेपी के अलावा। देखिए, 2014 के पहले तो शनय शनय चल रहा था, लेकिन 2014 के बाद धार और रफ्तार दोनों इन्होंने ऐड की है। पहली चीज, अभी बीजेपी बहुत तेजी से काम करती है। प्रधानमंत्री जी के हम स्टेटमेंट पे आ जाएं, आप सारी चीजों को भूल जाइए, लेकिन ये जो स्टेटमेंट दिया है कि हमने लोकतंत्र को परिवारवाद से बचाया है, इसके पीछे तथ्य अवेलेबल है। मैं इस चीज को मानने के लिए तैयार हूँ कि समाजवादी पार्टी जब बनी, कांग्रेस जब बनी, अपने इनिशियल स्टेज पे, इनिशियल डेज में, शुरुआती दिनों में, तब परिवारवाद का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन धीरे धीरे होते होते इनकी आइडियोलॉजी जो है पीछे होती गई और परिवारवाद हावी होता चला गया। और ये पूरी दुनिया को दिख रहा है कि ये परिवारवाद है। आप बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं कि सारे लोग उसी परिवार के लोग ही उसमें मंत्रिमंडल में, इन सब में पदों पे रहते हैं, दूसरे लोगों को बहुत जो मतलब अब उपेक्षित जगह रह जाती है, पद रह जाते हैं, उस पे बाहर के लोग आ जाते हैं, अदरवाइज ज्यादातर ये परिवारवाद है। देखिए, बीजेपी की ये खूबी है, वो कोई चीज निरर्थक नहीं बोलते हैं। जैसे अखिलेश यादव ने बोल दिया
कि कल हमारे सपने में श्री कृष्ण जी आए थे और हमें आशीर्वाद दिया है कि आप मुख्यमंत्री बन रहे हैं। राजनीति एक बहुत गंभीर विषय है, यहाँ पे बड़ा मोल तोल करके जो है तोल करके बोलना पड़ता है और बात का पतंगड़ बनते हुए देख, अगर आप गंभीरता से जनता को नहीं लेंगे तो जनता भी आपको गंभीरता से नहीं लेगी। इसलिए गंभीरता के साथ आप कोई चीज बोलिए। चीज में हाँ बहुत अच्छी बात एके मिश्रा आपकी तरफ। एक और आप सुन लीजिए, एक आधे आधे 15 सेकंड के लिए बोली, बोली, बोली। एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने इसमें उठाया था, क्या विपक्ष के लोग अभी तक आत्ममंथन नहीं कर पाए? देखिए ये बड़ा दुखदाई चीज है, मैं भी बड़ा दुखी होता हूँ। चलिए 2014 में आप हारे तो हमने ये सोचा था कि विपक्ष एकदम एक्टिव है और इंस्टेंट रिएक्शन देके आत्ममंथन करेगी और बीजेपी को समझेगी कि इनकी रणनीतियां क्या है। 2014 से लेके आज तक न जाने कितने चुनाव हो गए, स्टेट लेवल पे भी, एमसीडी में भी, ग्राम प्रधान पे भी, नेशनल लेवल भी हो गया, अभी भी विपक्ष जो है अपने राइवल को, अपने प्रतिद्वंदी को पूरा समझने के लिए कोशिश नहीं कर रही। हार गए जी, ये सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, सब लोगों ने जो है मेहनत नहीं की इसलिए हार गए। अरे माइक्रो लेवल पे इस वक्त जरूरत यह है कि विपक्ष के लोग बीजेपी को समग्र रूप से समझें, उनकी रणनीति क्या है, उनकी विचारधारा क्या है, उनकी लीडरशिप स्टाइल क्या है, इन सब चीजों पे कोई डिस्कशन नहीं। हार गए अब 5 साल बाद फिर आएंगे। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात एके मिश्रा आपकी तरफ से। प्रियंक इस वक्त जुड़े हुए हैं एके मिश्रा जी के पास, हम एक बार फिर से आना चाहेंगे। एके मिश्रा जी अब मुझे जरूरी एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या 42 साल तक बीजेपी बढ़ रही थी धीरे धीरे ही सही, शुरुआत में, बाद में तो खैर बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ी, क्या पूरा का पूरा विपक्ष बीजेपी की रणनीति को समझ नहीं पा रहा था, आत्ममंथन करने के लिए तैयार नहीं था, किसी राजनीतिक दंभ से भरा हुआ था जो खुद को उससे उबार नहीं पा रहा था? और देखिए नतीजा ये हुआ कि 2022 तक आते आते विपक्ष के नाम पर कुछ भी नहीं बचा हुआ है। एके मिश्रा, ये उसकी एक लाइफ साइकिल होती है, जैसे पहले बर्थ होता है, बर्थ के बाद ग्रोथ होता है, ग्रोथ के बाद जैसे जब वो अपने युवा अवस्था पे आती है तो एक फेज ऐसा आता है जहां पे बहुत सारे रिक्वायर्ड स्ट्रेटेजिक चेंजेस या वैल्यू एडिशन उसके अंदर होते हैं, वो अपने परफॉर्मेंस के पराकाष्ठा पे पहुंच जाती है। 2014 के पहले, एक साल पहले से आप ये मान लीजिए बीजेपी का ये टॉप वाला फेज शुरू हुआ, अंदर ही अंदर बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन हुए, चेंजेस हुए और बीजेपी की कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, स्पेशली अटैकिंग कैपेबिलिटी, कैंपेन को मैनेज करना, रणनीति बनाना। अब देखिए है क्या, अब बीजेपी ने तो 2014 में जिस लेवल पे अपने अंदर एक महापरिवर्तन किया, माइक्रो लेवल पे, मैक्रो लेवल पे, लेटेंट वे में जो बहुत सारी चीजें हैं, दूसरी पार्टियां, विपक्ष की पार्टियां कमोवेश वो पुराने ढर्रे पे ही इजी गोइंग वे में ही वो चलते रहे, उन्होंने परिवर्तन नहीं किया। बीजेपी ने माहौल को परिवर्तित कर दिया, बदले हुए माहौल के हिसाब से विपक्ष की किसी भी पार्टी ने मन लगा के बहुत गंभीर होके अपने अंदर आमूलचूल परिवर्तन नहीं किया, थोड़े बहुत परिवर्तन उन्होंने किए जिसके कारण वो थोड़े बहुत जो है चुनाव वगैरह जीत जाते हैं लेकिन मेजर वो हार जाते हैं। और अभी तक मुझे ये दिख रहा है कि विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं अपने अंदर मतलब जिसको बोलते हैं ना कि पूरा ट्रांसफॉर्म करने के लिए वो तैयार नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन में भी ये भी आ सकता है कि उनका चेहरा बदला जाए, जिसके हाथों में अभी नेतृत्व है हो सकता है उसको हटा के नेतृत्व किसी और के हाथों में दिया जाए। 2014 में तो यही हुआ, बीजेपी ने ये रिस्क लिया, शीर्ष के नेता कोई और थे, उनको हटा करके एक नए चेहरे को मोदी जी को लाया गया। मगर इतनी बड़ी माउंटिंग करने को आप तैयार हैं तभी आप बदले हुए परिस्थिति में और बदले हुए राइवल से, बदले हुए प्रतिद्वंदियों से आप तभी मुकाबला कर सकते हैं। जिस लेवल पे युद्ध हो रहा है, जिस लेवल की टेक्नोलॉजी, अब ऐसे तो होगा नहीं कि सामने वाला मिसाइल लेके खड़ा है और आप तलवार से जो है और घोड़े और तलवार से बैठ करके युद्ध मैदान में उतर रहे हैं। तो ये एक जो कॉम्पिटिटिव एज होता है वो उसको डेवलप ही, कॉम्पिटिटिव पॉलिटिकल एज को ये लोग डेवलप ही नहीं कर रहे हैं, अभी भी ट्रेडिशनल वे में चल रहे हैं। इनके फार्मूले आप देखेंगे तो अभी भी वही जो होते थे कि ये बांट दो फ्री में, वो बांट दो फ्री में, जातिवाद के फार्मूले हो गए, परिवारवाद के फार्मूले हो गए या ट्रेडिशनल फार्मूले हो गए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सिद्धांत, मतलब जो जिस बदलाव की जरूरत थी, कि खुद को आत्ममंथन करने की जरूरत थी, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी में बहुत जरूरत थी इसकी, बहुत
अलग अलग लेवल पर कांग्रेस में एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत थी जो नहीं हो पाई। देखिए मैं आता हूँ थोड़ी देर के बाद सर, एक लाइन और सुन लीजिए। जी जी जी, फेशियल ब्यूटिफिकेशन तो ये कर लेते हैं आप, मतलब ब्यूटी को जो फेशियल अपर वो होता है, लेकिन अगर जेनेटिक लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन की बात की जाए, आमूलचूल परिवर्तन की, तो ये नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ा काम है, मुझे लगता है संदीप त्रिपाठी इसका जवाब दे पाएंगे नहीं, बड़ा मुश्किल है। संदीप त्रिपाठी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता नेता, स्वागत है आपका। संदीप जी, संदीप जी एक बात बताइए, बड़ा सीधा सवाल पूछ रहा हूं मैं, राजनीति में आप लोग गंभीर नहीं रहे क्या? ऐसा मुझे क्यों लगता है कि आप लोग वीडियो गेम खेल रहे हैं जिसमें कोई स्ट्रेटजी भी नहीं है, कोई राजनीति नहीं है, कभी हार जाते हैं, कभी जीत जाते हैं, लेकिन बीजेपी वीडियो गेम नहीं खेल रही। वीडियो गेम नहीं, लूडो। वीडियो गेम में तो फिर भी पता होता है, लूडो। हाँ सही बोल, सही 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 बोल रहे हैं, लूडो लूडो हाँ लूडो लूडो मैं गलत बोल दिया, मैं गलत बोल, लूडो तो नहीं खेल रहे हैं सर, कि चलो सांप सीढ़ी पे चढ़ लिए, सांप ने काट लिया, नीचे आ गया, चलो फिर चढ़ते हैं, सीढ़ी पे चढ़ लिए, सांप ने काटा, नीचे आ गया। एक कब तक चलता रहेगा संदीप त्रिपाठी जी, कब तक? समझ पाए तो उनकी बदकिस्मती है, सियासी बदकिस्मती कहा जाएगा। बाकी शिवपाल यादव को किसी के सामने याचक की भूमिका निभाने की जरूरत नहीं है, शिवपाल यादव अपने आप में एक बहुत अच्छे नेता हैं, है ना, उत्तर प्रदेश में जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि आप लोग पीएसपीएल अगर चला भी रहे हैं तो बहुत बेहतर तरीके से चलाइए, और बीजेपी से तो सबक लेने की जरूरत है भाई साहब आप लोगों को, और कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। शिवपाल क्या एके मिश्रा जी, मैं गलत कह रहा हूँ क्या? देखिए गौरीशंकर जी, मजबूरी क्या है जरा बता दीजिए, क्या मजबूरी है शिवपाल यादव जी की? नहीं, मैं थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे रखता हूँ आपसे। अब आप सही हो सकते हैं, लोगों के अपने अपने मत होते हैं। हाँ। शिवपाल यादव एक राजनीति विशेष के माहौल में बड़े सक्सेसफुल रहे। हाँ। यानी कि मुलायम सिंह यादव ने सारे माहौल को क्रिएट किया, और माहौल बन जाने के बाद उसको एडमिनिस्ट्रेट करने में उनकी भूमिका रही है। हाँ। लेकिन बदले हुए माहौल में जहाँ इनोवेशन की जरूरत होती है, जहाँ आदमी अपने भूते जो है नए इतिहास को लिखता सुने है, सत्यजीत जी ध्यान से, के मिश्रा जी बहुत सही बात कर रहे हैं, शिवपाल यादव के अंदर ये सारी क्वालिटी नहीं है, ठीक है। वो हमेशा किसी न किसी दूसरे के कंधे पे रह करके चलेंगे, यही रीजन है। देखिए अपनी पार्टी में कभी खबर आती है कि वो अखिलेश यादव से हाथ मिला रहे हैं, कभी खबर आती है बीजेपी से, कभी उधर जा रहे हैं, वो आइडियोलॉजिकली वो कंफ्यूज है, वो राजनीति को कैसे मैनेज किया जाए, वो भविष्य को देख नहीं पाते हैं, वर्तमान में किस हिसाब से अपने आप को ट्यून अप किया जाए, ये सारी बेसिक एबिलिटी जो फ्यूचरिस्टिक एबिलिटी होती है प्लानिंग की, ऑर्गेनाइजिंग की, ये सब उसमें सात आठ क्वालिटीज होती है एक सक्सेसफुल लीडर बनने के लिए, वो नहीं है। हाँ, कोई उनको पार्टी बना करके दे दे, जैसे मुलायम सिंह यादव ने दे दिया, रणनीति बना के जीत गए, तो अंदर लोगों को मैनेज करने का काम वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। चलिए चलिए, बहुत अच्छी सलाह है। पत्रकार देखिए और क्या बोल सकता है, पत्रकार के लिए बीजेपी भी वैसा ही जैसा पीएसपीएल, जैसा समाजवादी पार्टी, जैसा कांग्रेस, हम लोग